मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को बेखौफ अपराधियों ने फिर से एक बड़ी लूटकांड को अंजाम दिया है। अपराध कर्मियों ने सकरा थाना क्षेत्र के दोनवा रघुनाथपुर स्थित बंधन बैंक की शाखा को निशाना बनाते हुए हथियार के बल पर मिनटों में 17.29 लाख रुपए लूट लिए। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। लगभग आधा दर्जन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना 12:37 की है, जब बंधन बैंक के अंदर 4 अपराधी हथियार के साथ बैंक में घुसे और गन पॉइंट पर सभी को बंधक बना लिया और लगभग 17.29 लाख रुपए लूट कर बैंक से फरार हो गए। स्थानीय दुकानदारों को शक हुआ तो उन लोगों ने अपराधियों को रोकने का प्रयास किया। अपने को घिरता देख अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। इस फायरिंग में एक दुकानदार राजेश शाह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक समेत डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे और सकरा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन। पूरे मामले पर डीएसपी मनोज पांडे ने बताया कि हर बिंदु पर छानबीन की जा रही है। पूरी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। डीएसपी ने फायरिंग में एक व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि की। घटना घटी है सकरा थाना में। हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और प्रॉपर चेक करने के बाद ही हमें घटना देखिए आगे की जो कार्रवाई होगी उसके बारे में बता पाएंगे। कितनी की राशि की लूट हुई थी? हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही हम लोग के प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आपके हैं वो देख ही रहे हैं। कितने की संख्या में सर थे अपराधी? तकरीबन 4 या 5 की संख्या में थे। हम लोग एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं, प्रॉपर जांच करने के बाद इस विषय में हम लोग कुछ बता पाएंगे। फायरिंग हुई है सर? जी बिल्कुल, फायरिंग हुई सूचना है। कितने राउंड फायरिंग हुई सर? एग्जैक्टली अभी कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि फायरिंग हुई है। कितने राउंड फायरिंग हुई है और ये सारी चीज़ों के लिए जांच के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हैं और जांच करने के बाद ही हम बता पाएंगे। कोई घायल भी है सर? हाँ, एक व्यक्ति इंजर्ड है।